थैंक्स uh, करना चाहूँगा अनिल कुमार वर्मा जी का सो जिनकी सौजन्य से ये प्रोग्राम आपको मिल रहा है या उन्होंने आयोजित किया एंड आई एम रियली वेरी ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर कुछ अपने थाट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए uh, दोस्तों जब भी कोई मुझसे मिलता है या मेरा कोई भी प्रोग्राम लेना चाहता है कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है हर व्यक्ति जानना चाहता है सक्सेस के बारे में सफलता कैसे मिलेगी हम अपने गोल्स कैसे पूरे करेंगे सफलता का राज क्या है सीक्रेट क्या है Uh, हम सक्सेसफुल कैसे होंगे एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो दिस सभी लोग ये जानना चाहते हैं गुड और आई एम श्योर आप आप भी ये लोग जानना चाहते हैं तभी आप आज एफ बी लाइव पर आप इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं डेफिनेटली तो चलिए बात करते हैं सक्सेस के बारे में एंड आई होप एंड बिलीव आप रेडी होंगे अपने डायरी एंड पेन को लेकर के सो लेट्स बिगिन तो सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस नाउ सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है बेसिकली एक प्रोसेस है इट्स अ प्रोसेस इट इज़ जैसे हम सभी लोग जब माँ के गर्भ में थे तो हम नौ महीने गर्भ में रहे और उसके बाद जब हम बाहर आए हम इतने छोटे से बच्चे थे और आज हम इतने बड़े हुए हैं अगर कोई आपसे कहे कि नौ महीने की जगह नौ दिन गर्भ में रह के क्या क्या बच्चा बाहर आ सकता है तो आप क्या कहेंगे नहीं संभव नहीं है एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सिमिलरली सफलता भी एक सफलता भी एक प्रोसेस है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है अभी थोड़े दिन पहले बहुत ही कमाल के एक्टर एंड वंडरफुल पर्सन बहुत ही जॉली पर्सन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ऋषि कपूर जी उनका देहांत हुआ और <coughs> उनकी मैं उनके देहांत से दो दिन पहले का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा जिसमें वो हॉस्पिटल में थे और ऑब्वियसली बीमार थे तो ठीक हालत में तो नहीं थे तो वहाँ हॉस्पिटल में उनके एक डॉक्टर थे जो कि उनके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं थे और हैं सो वो जो डॉक्टर फैन है वो उनके बेड पर बैठे हैं और उनको उन्हीं के पिक्चर के कुछ गाने गा रहे हैं बहुत खुश है और उनका लास्ट में उन्होंने उनके पैर छुए ऋषि कपूर जी के ऋषि कपूर जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आप बहुत तरक्की करो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करना और क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट बना नहीं है सो मैं आज सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस आप मेरे से सुनने आए हैं तो सक सफलता का जो पहला सीक्रेट है वो यही है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ये एक प्रोसेस है अगर कोई व्यक्ति आप आकर के आपको बोलता है अरे इतने टाइम से कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो आप आओ मेरे साथ आकर के काम करो आप ये हो जाओगे मैं आपको ये बना दूंगा मैं आपको वो बना दूंगा तो याद रखिए वो व्यक्ति सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो आपको कुछ नहीं बना सकता यदि आपको कोई सफल बना सकता है तो वो आप खुद हैं यस पीपल आर देयर एंड विल बी देयर टू हेल्प यू सपोर्ट यू गाइड यू बट अल्टीमेटली करना आपको ही है इट इज़ योर लाइफ इट इज़ योर ड्रीम जो आप पूरा करना चाहते हैं सो so, पहली चीज़ सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम सबको गुजरना होता है सो so, वो प्रोसेस क्या है आज वो मैं उसके बारे में अब आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ पॉइंट नंबर वन इज डिसाइड व्हाट यू वांट चुनिए आपको चाहिए क्या आज से तीन चार पाँच साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी व्हाट यू वांट आज से तीन चार पाँच साल बाद आप क्या चाहेंगे आपका लाइफ कैसा हो राइट right? वो अपने जहन में डालिए आपका लाइफ के साथ साथ आपका पे आउट कैस कितना कितना पे आउट चाहेंगे आज से तीन से तीन से पाँच साल के अंतराल के बाद में आप कौन से घर में रहना चाहेंगे किस टाइप के घर में आप रहना चाहेंगे उसमें क्या सुविधाएं आप पसंद करेंगे अपने लिए कौन सी कार चलाना चाहेंगे सो ये सारी चीज़ें का आप एक खाका दिमाग में आ, सबसे पहले खींचिए बनाइए और दिमाग में बनाने के बाद में इसको आप रिटर्न में डालिए यानी कि इसको आप लिखित में डालिए मुझे याद है जब मैंने 2008 में वेस्टी ज्वाइन करी थी तो मैंने एक पूरा खाका बनाया था उससे पहले एक लगभग 11 पेज 11 12 पेज के मैंने अपने ए फोर शीट्स के लगभग इस साइज़ के ए फोर शीट्स के मैंने मेरे आ, ड्रीम्स लिखे थे सो उसमें मैंने लिखा कि मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए मेरा लाइफ कैसा होना चाहिए आ, किस तरीके का जीवन होना चाहिए सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी और लिखने के बाद में फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में बार 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 मैं उसको सुनने लगा और सु, बार बार सुनने की वजह से हुआ ये कि वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई और इसी की वजह से ही मुझे वेस्टीज मिली इसी के ही थ्रू यूनिवर्स ने या गॉड ने मैं कहूँगा तो मुझे ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से जो भी कुछ मैंने लिखा यकीनन वो सब कुछ पूरा हुआ सो सबसे पहली चीज़ जो इस प्रोसेस में ये है कि आपने चुनना है आपको आपका जीवन कैसा चाहिए राइट ये है फर्स्ट स्टेप आज से तीन तीन से पाँच साल के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा हो आपकी आमदनी आपका आपकी कार आपका घर और बाकी चीज़ें जो आपको प्रिय हैं उसमें क्या क्या, क्या सुविधाएं आप कैस, किस किस प्रकार का आप जीवन जीना चाहेंगे कौन कौन से शौक़ आप अपने पूरे करने चाहेंगे कहाँ घूमना चाहेंगे सेहत कैसी चाहेंगे ये सारी चीज़ें क्या है आपने लिखनी है पहले जहन में लाइए उसके बाद लिख दीजिए यह है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इस बात मैं आपको ये बताऊँगा कि लाइफ चलती है गिव एंड टेक के ऊपर कोई भी चीज़ लाइफ में फ्री नहीं मिलती राइट आप कुछ देते हैं तो आपको मिलता है जैसे आप ए में जाते हैं आपने अपनी जेब से ए कार्ड निकाला और ए कार्ड निकालने के बाद में आप को सपोज चालीस हज़ार रुपये निकालने हैं तो आपके अगर खाते में चालीस हज़ार रुपये होंगे तभी आप उसको निकाल पाएंगे सपोज करिए अगर आपके अकाउंट में तीस हजार रुपए हैं तो क्या आप चालीस हजार रुपए निकाल पाएंगे नहीं आप चालीस हजार रुपये नहीं निकाल सकते बिकॉज आपने उतने डिपॉजिट नहीं किए सेम लाइफ चलती है गिव एंड टेक पे अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया आपको टेक क्या करना है आपको चाहिए एक्स लाइफ स्टाइल एक्स कार एक्स घर ये पे चेक ये सब कुछ चाहिए गुड अब इसके लिए आप देंगे क्या राइट right? ये सब कुछ लेने के लिए यू शुड बी हंड्रेड परसेंट कमिटेड राइट अपने आप से एक वादा करना कि मैं हंड्रेड परसेंट कमिटेड हूं कि ये चीजें मैं प्राप्त करूंगा ही करूंगा और इसके लिए अब मुझे क्या देना है उस प्रोसेस के ऊपर अब मैं आपको आ रहा हूं सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है आप सबसे पहले इमीडिएटली कौन से पे चेक के ऊपर फोकस करना चाहेंगे और इसको मैं बोलता हूं ये है आपका सक्सेस मंत्रा राइट ये आपकी सफलता का मंत्र है और यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो लोग जिनकी आमदनी अभी पांच सौ रुपए हजार रुपए पंद्रह सौ दो हजार यानी कि लेस देन दस बारह हजार रुपए के आसपास या उससे कम है या जो बिल्कुल बिगिनर है वेस्टीज में वो डायरेक्ट इमीडिएटली पांच लाख रुपए के ऊपर फोकस ना करें लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप राइट आप फोकस करिए सिर्फ बीस हजार के अम, अमाउंट पे कोई ऑलरेडी पंद्रह बीस पच्चीस हज़ार रुपये के अमाउंट पर है तो आप फोकस करें पचास हज़ार रुपये के अमाउंट पर यह है आपका सफलता का मंत्र जिसके ऊपर आप जिस पेचेक के ऊपर आप इमीडिएट फोकस करना चाहते हैं जिसके ऊपर आप तुरंत ध्यान देना चाहते हैं और अगर आप, आप में से किसी की आमदनी जो अगर आप ये सुन रहे हैं आपकी आमदनी चालीस पचास साठ हज़ार रुपये के आसपास है तो आप अपनी सफलता का मंत्र बनाएं एक लाख रुपये ओके अगर आप में से किसी की आमदनी एक लाख रुपये के आसपास है तो आप अपनी सफलता का मंत्र बनाएंगे दो लाख रुपये अगर आपका जो दो लाख रुपए के आसपास का आ, किसी का ऑलरेडी पे आउट चल रहा है तो आप अपना जो सफलता का मंत्र है जिसके ऊपर आप इमीडिएटली फोकस करना चाहते हैं वो आप आएंगे तीन लाख रुपए या चार लाख रुपए। सो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू वांट टू इमीडिएटली गो जहाँ जिस पेचेक के ऊपर आप इमीडिएटली फोकस करना चाहते हैं सो so ये बन गया आपका सफलता का मंत्र नाउ ये मंत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यों अब तक आपने हज़ार दफ़ा सुना होगा नेगेटिव मत सोचो नेगेटिव मत बोलो यहां से ध्यान हटाओ वहां से ध्यान हटाओ ये तो आप जानते ही हैं लेकिन सवाल ये है कि यहां से ध्यान नहीं हटाएंगे तो ये कोई नहीं बताता ध्यान लगाएं कहां तो आज मैं आपको बता रहा हूं कहां ध्यान लगाएं सो आपने ध्यान लगाना है अपने सफलता के मंत्र के ऊपर या इमीडिएट पे चेक जो आपको चाहिए जिसको मैंने नाम दिया है या मैं कहता हूं आपकी सफलता का मंत्र So, उसके ऊपर आपने बार 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 फोकस करना तो एक बार आपके माइंड में आ गया कि ये मेरा इमीडिएट पे इमीडिएटली मुझे इस पे फोकस कर रहा हूं अब ये आपको क्लियर हो गया एंड इसको हम बोलेंगे सफलता का मंत्र अब आपने करना क्या है बार 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 इसको दोहराना है रिपीट करना है राइट ताकि आपका माइंड जो है वो खाली ना रहे वो नेगेटिव चीजों के ऊपर जाए ही ना क्यों क्योंकि हमारा जो माइंड है ह्यूमन माइंड जो है रिसर्च कहती है कि 90 परसेंट से ज्यादा जो है एक ह्यूमन माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करता है 90 प्रतिशत से ज्यादा हमें जो विचार आते हैं वो नकारात्मक होते हैं और न सिर्फ में नकारात्मक विचार आते हैं बल्कि वो नाइन्टी परसेंट से ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं यानी कि वो बार 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 बार, बार उत्पन्न होते हैं हमें परेशान करते हैं हमें डिप्रेशन में लेके जाते हैं बिकॉज दे आर नेगेटिव थाट्स उनका काम ही यही है So, इस चीज से बचने का उपाय क्या है या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि इंसान का जो मस्तिष्क है वो सबसे बड़ी फैक्ट्री है नकारात्मक विचार को प्रोड्यूस करने की जिसमें कभी हड़ताल नहीं होती वो नॉन स्टॉप चलती रहती है तो ये कोई गलत नहीं होगा अब हाउ डू वी काउंटर दैट उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है हमें अपना हमारा सारा फोकस सारा ध्यान लगाना है हमारे सफलता मंत्र पे So, आपने बना लिया अपना सफलता का मंत्र कि ये मेरा पेचक है जिसके ऊपर मैं इमीडिएटली मैं इतने सफल लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं क्लोजली वीडियो गॉड डिस्टर्पन हो गया था एनी वेज या सो मैं आपको बता रहा था कि इतने सालों से मैं लोगों को स्टडी कर रहा हूं जो लोग सफल हैं दो प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है सक्सेस कॉन्शियसनेस एंड पावर्टी कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस मतलब कि कौन से विचार हमारे दिमाग में हर समय हैवी रहते हैं राइट right? हावी रहते हैं नाउ जितने भी लोग जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं या पुअर हैं दे हैव पावर्टी कॉन्शियसनेस हर समय उनके दिमाग में एक टेप चलता रहता है क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता मुझे कोई हेल्प नहीं करता मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे कोई गाइड नहीं करता मैं uh, मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं ये नहीं जानता मैं वो नहीं जानता एंड इस टाइप की बातें कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में चलती रहती हैं और जो लोग सफल हैं वो लगातार सफलता की बातें सफलता की बातें उनके दिमाग में चलती रहती है दे हैव गॉट सक्सेस कॉन्शियसनेस एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर सक्सेसफुल राइट नाउ सक्सेस कॉन्शियसनेस आप कैसे पैदा कर सकते हैं एवरीथिंग इज़ कॉन्शियसनेस पॉवर्टी इज अ कॉन्शियसनेस सक्सेस इज अ कॉन्शियसनेस एबंडेंस इज अ कॉन्शियसनेस स्केयरसिटी इज अ कॉन्शियसनेस यानी कि बहुतायत भी एक कॉन्शियसनेस है जागरूकता है और इसी तरीके से आ, किसी भी चीज़ की कमी होना वो भी एक कॉन्शियसनेस है या वो भी एक जागरूकता है सो so, मैं आज चाहता हूँ कि आप सक्सेस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर डेवलप करें सो so, यहाँ पर आपने करना क्या है हाउ डज़ दिस डेवलप इज थ्रू सक्सेस मंत्रा अब आपने लगातार जैसे आप सपोज सुबह सुबह उठे सो सुबह उठने के बाद में आपने जिसको भी आप मानते हैं आप उसके ध्यान से आपने दो चार पाँच मिनट आग बंद करी उनका ध्यान किया उसके बाद आपसे बाथरूम में गए मुंह धोने के लिए सो आप मुंह वॉश धो रहे हैं राइट एंड आप आपका जो सक्सेस मंत्र है वो आपके वो चालू हो जाना चाहिए सपोज आपका सक्सेस मंत्र है फिफ्टी थाउजेंड सो इट शुड बी फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड योर वॉशिंग योर फेस बट जहन में फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ऑटोमेटिकली चल रहा है उसके बाद में फिर आप से टीथ ब्रश कर रहे हैं सो टीथ ब्रश करते करते आपका जो मंत्र है दैट शुड बी कंटिन्यू हेयर सो फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड आफ्टर ब्रशिंग सपोज यू आर टेकिंग बाथ ओके okay? सो so, पानी चल रहा है ऊपर आप शैम्पू कर रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड कॉम कर रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड शेव कर रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद आप नाश्ता कर रहे हैं चाय पी रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड लाइक दिस इज वॉट यू शुड बी यू शुड बी डूइंग इट नाउ अगर आप ये करोगे तो ना सिर्फ़ आपका फोकस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके इमीडिएटली आपके गोल पे चला गया जो जिस जो आप चाहते हैं बल्कि आपको समय ही नहीं मिला कुछ भी नकारात्मक विचार के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिला आपके दिमाग को क्योंकि आपने उसको खाली नहीं छोड़ा वो किसी भी नेगेटिव उस पर जाएगा ही नहीं क्योंकि आपने उसको बिज़ी करके रखा हुआ है और आपने उसको कहाँ बिज़ी करके रखा हुआ है आपने उसको बिज़ी करके रखा हुआ है उस चीज़ के ऊपर में जिसको आप सबसे पहले या आप, आप चाहते हैं आपके जीवन में आए So, ये एक प्रैक्टिस है जिसको आपने बार 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 करना है नाउ इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग मंत्र मंत्र ये जो मंत्र है सफलता का मंत्र है जब ये आपकी चेतना में आ गया मंत्र चेतनम ये बन गया आपकी चेतना ये बन गया आपकी कॉन्शियसनेस तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो इसको आपके आप आपके जीवन में आने से रोक दे जस्ट ट्राई इट आप इसको करके देखिए राइट जस्ट आर डूइंग इट एंड जब कुछ अगेन आप मन में बोलिए जोर से बोलिए जहां जैसा संभव है वैसा इसको करिए बट यू हैव टू डू इट रिलीजियसली आई डू इट आई डू इट सपोज लाइक दिस राइट एग्जाम्पल आपको देता हूँ फिफ्टी थाउजेंड 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 ऐसे हमारे पूरे हाथ में पंद्रह बार की काउंटिंग आती है फिफ्टीन थर्टी सिक्सटी सॉरी फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी सेवेंटी फाइव और तीन हंड्रेड एट एक सौ आठ के बाद में जैसे ही एक सौ आठ का नंबर कंप्लीट होता है टाँग करके यूनिवर्स में एक डेंट लगता है और आपकी तरफ से एक अर्जी चली जाती है कि का काम है सिर्फ एक काम करना तथास्तु राइट तथास्तु तथास्तु प्लस ओके डन 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 दैट इज वॉट यूनिवर्स इज डूइंग ऑल द टाइम यूनिवर्स का यही काम है आपको तथास्तु बोलना तो आपको ये करना है एक सौ आठ की होते ही आपकी तरफ से एक अर्जी जाती है सो so, एक अर्जी दो अर्जी तीन ई मेल चार ई मेल पांच ई मेल दस ई मेल भेजते रहिए भेजते रहिए कीप ऑन फोकसिंग ऑन ऑन टू इट दिस इज द वे राइट एंड इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं एक सिंपल बट बहुत पावरफुल हथियार है हर एक घंटे पे अलार्म सेट कर दीजिए बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे हर एक घंटे पे एक अलार्म आपका बोले वो अलार्म क्या है एक इंडिकेटर है कि इस एक घंटे में कितनी बार आपने अपने मंत्र को याद किया या कितनी बार आपने अपने मंत्र मंत्र को रिपीट किया कितनी बार आपने उस उसके ऊपर फोकस किया ओके, सो इससे क्या है जरा सा भी आप अगर फोकस आपका डिविएट होगा अगेन यू विल कम बैक टू योर सक्सेस मंत्र या इस एक घंटे में मैंने कितने नकारात्मक विचार सोचे सो so, वहां से हट करके दोबारा आपको अपने मंत्र पे आना है Now, सारा का सारा जो गेम है वो फोकस का गेम है एंड इसमें सारा का सारा जो जो गेम है वो फोकस का गेम है आपने बहुत बार आ, सुना मैंने मेरी वर्कशॉप्स में कहा है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज जहां भी फोकस जाता है वहां ऊर्जा जाती है एनर्जी जाती है एंड वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड जिस भी चीज के ऊपर आप अपने जीवन में फोकस करते हैं ध्यान केंद्रित करते हैं वो आपके जीवन में एक्सपैंड होता है फोकस के ऊपर में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा महाभारत की एक कहानी है महाभारत के में पांच पांडव पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य सो जब वो गुरुकुल में रह के पढ़ते थे गुरु द्रोण ने उनको धनुष बान की विद्या सिखाई उनको धनुष चलाना सिखाया और उस ज़माने में जो भी टेस्ट होते थे वो कोई भी को थ्योरेटिकल टेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम होती थी थ्योरोटिकल थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिक प्रैक्टिकल करवाते थे और जो इम्तिहान थे वो भी प्रैक्टिकल होते थे प्रैक्टिकल चीज़ों के तो उनका जो इम्तिहान था धनुष बाझी का इम्तिहान था वो भी प्रैक्टिकल होना था तो गुरु द्रोण ने क्या किया एक बार उन पाँचों को लेकर के आए और एक पेड़ के ऊपर में एक मछली टांग दी और मछली की आंख पर बोला निशाना लगाने के लिए तो सबसे पहले युधिष्टर को बुलाया तो युधिष्टर जब आया तो उसने कहा जी गुरुदेव तो देखा जरा निशाना लगाइए तो आप, आपने उस मछली की आंख में तीर मारना है तो कहा ठीक है गुरुदेव तो युधिष्टर आया उसने ऐसे करके तीर ताना गुरुदेव ने पूछा आपको क्या दिख रहा है तो युधिष्टर ने कहा जी मुझे दिख रहा है मछली दिख रही है और वो टहनी दिख रही है जिसके ऊपर ये जो उसके आसपास है वो पेड़ भी दिख रहा है जिसके ऊपर ये लटकी हुई है तो बोले जी मैं निशाना लगाऊं बोले नहीं आपको लगाने की जरूरत नहीं है आप जाओ ओके उसके बाद भीम आए तो भीम ने भी निशाना ताना भीम से भी गुरुदेव ने वही सवाल किया भीम तुम्हें क्या दिख रहा है तो भीम ने कहा जी गुरुदेव मुझे भी मछली दिख रही है वो पेड़ भी दिख रहा है और पेड़ के जो आ, पार में आसमान है मुझे तो वो आसमान भी नज़र आ रहा है तो मैं निशाना लगाऊं तो गुरुदेव ने कहा नहीं आप भी रहने दो उसके बाद में नकुल और सहदेव आए उनके जवाब भी लगभग सेम थे और गुरुदेव ने जानबूझ करके अर्जुन को के लिए रखा हुआ था अर्जुन आते हैं अर्जुन ने अपना निशाना ताना तीर बांध ताना और उसके बाद पूछा तीर कमान जब बिल्कुल ऐसे फोकस पे था अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिख रही है बोला शूट इट आप तानो निशाना सीधा निशाना जाकर के मछली की आंख पे लगा उसके बाद गुरुदेव ने सिर्फ उसको पास किया और बाकियों को फेल कर दिया तो बाकी ने कहा गुरुदेव ये तो गलत है आपने तो हमसे तीर चलवाया भी नहीं आपने हमें मौका ही नहीं दिया आपने हमें फेल कैसे किया गुरुदेव ने कहा वो समय की बर्बादी मैं नहीं करना चाहता जब तुम्हें जहाँ तुम्हें जाना है वो तुम्हें दिख ही नहीं रहा उसके अलावा उसके साथ साथ तुम्हें इतनी चीज़ें दिखती हैं तो तुम सफल हो ही नहीं सकते एंड ये बहुत बड़ी सीख है जीवन में आपको दिखता क्या है ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है उन्हें क्या दिखता है उन्हें अपना या तो उन उन्होंने अपना सफलता का मंत्र कभी क्रिएट किया नहीं या अगर कभी किया है तो गलती से थोड़ा बहुत देख लेते हैं उस मछली की आंख के साथ में उन्हें उन्हें टहनियाँ भी दिखती हैं पेड़ भी दिखते हैं आसमान भी दिखता है वो वो पेड़ पर पे बैठे हुए उन्हें पंछी भी दिखते हैं अर्थात उन्हें अपने लक्ष्य के साथ साथ उन्हें ये भी दिखता है और कोई क्या कर रहा है कोई क्या कह रहा है और किसका बीवी पीवी कितना है किसकी पिछले पिछले महीने किसका पेचक चार लाइन से तीन लाइन में आ गया और उनका हर जगह फोकस है कौन कौ, कौन कोई और कंपनी में चला गया कोई कोई और अपने दूसरे में चला गया कोई क्या कर रहा है किसने क्या किया उनका हर जगह ध्यान है तो ऐसे लोग जो हैं वो रियली में कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आता है 100% परसेंट फोकस यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सफलता के मंत्र पे रहना है उसके बाहर कौन क्या कर रहा है क्या कह रहा है क्या करेगा आपको क्या लेना देना उससे यू शुड नॉट बी कंसर्न विद दैट यू जस्ट फोकस राइट इसके साथ साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बताऊँगा कि आपको अगर सफल होना है तो आपको बिल्कुल बहरा होना पड़ेगा जैसे मैं भी आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको एक अपनी जोन में रहना पड़ेगा इनको आप टाइटल दे सकते हैं बी इन योर ओन जोन बी लिव योर लाइफ इन योर ओन जोन और लिव योर लाइफ इन योर ओन जोन ब्रैकेट में सक्सेस जोन नाउ सक्सेस जोन क्या है सक्सेस जोन है जब मैं छोटा था मैं स्कूल में था और जब मैं कॉलेज में था तो मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था मैं क्रिकेट खेला करता था मैं मेरे स्कूल का कप्तान रहा उसके बाद मैंने मेरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और मैंने क्लब क्रिकेट खेली प्रोफेशनल क्लब क्रिकेट दो साल कलकत्ता में खेली और उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहता था सो जब मैं स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेता था तो मैं स्टेट नेशनल स्टेडियम जाया करता था दिल्ली में वहाँ ट्रेनिंग के लिए तो जो भी कोई इंटरनेशनल टीम आती थी मैचेस खेलने के लिए दिल्ली में तो वो प्रैक्टिस के लिए हमारे स्टेडियम आती थी तो इस वजह से मुझे ऑब्जर्व करने का मौका मिला काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स को इंडिया के और इंडिया के बाहर के काफ़ी ऑस्ट्रेलियंस वेस्ट इंडीज़ व मैंने अन्य कई देश के स्पोर्ट्स पर्सनस को काफ़ी नज़दीक से देखा तो मैं देखता था जब ये लोग आते थे इनकी बस से उतरते थे तो उस समय क्या था इनके कान में वॉकमैन और ईयरफोन लगे रहते थे हेडफोन लगे रहते थे ईयरफोन तो अब आए छोटे छोटे तब बड़े बड़े हेडफोन होते थे तो हेडफोन लगे रहते थे, थे और जब ये उतरते थे लोग इनको चीयर करते थे या को कोई चीयर करते थे कोई को हुट भी करता था कुछ भी कहता था ये कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे ये सिर्फ अपनी दुनिया में रहते थे या तो अपने हेडफोन में रहते थे या अपने आपस में थोड़ी बहुत बात करते रहते थे और जब प्रैक्टिस के लिए आते थे हेडफोन को उतारते थे प्रैक्टिस वगैरह करते थे सब कुछ इवन रनिंग वगैरह करते करते भी हेडफोन वगैरह इनके लगे रहते थे ठीक है ना उसके बाद में जब इन्होंने अपना प्रैक्टिस किया अपनी एक्सरसाइज करी अपना गेम स्किल्स के ऊपर काम किया सब कुछ किया जैसे ही प्रैक्टिस ओवर हुई बस में बैठने से पहले इनके फिर से हेडफोन लग जाते थे और बाहर इतने सारे लोग इन, इन इनको बाहर से देखते थे इनके बारे में इनका नाम लेते रहते थे बहुत बार इनको कुछ ना कुछ कमेंट्स भी करते थे लेकिन इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया प्रैक्टिस में भी गेम में भी मैच में भी ऐसे ही था उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हर समय हेडफोन क्यों लगाए रहते हैं या इतना क्या संगीत सुनने का शौक है इनको लेकिन बाद में जब मैं जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ मैंने और इन चीजों को क्लोजली समझा तो मुझे समझ में आया कि ये अपनी दुनिया में रहते हैं क्योंकि ये किसी बाहरी व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर एक और बड़े कमाल की होती है, वो सिर्फ दो लोगों की बात सुनते हैं एक सुनते हैं बात अपने अंदर जो करता है हमारे अंदर के ही, जो हमें बड़े, बड़े बनने के विचार जो हमें अपने अंदर से आते हैं वो काम है हमारे बिगमी का जैसे मेरा पेचक भी दस लाख रुपए हो मेरे पास भी एक लग्जरी कार हो मेरा ग्रुप भी इतना बड़ा हो और मेरा भी इस प्रकार का घर हो मेरा ऐसा रहन सहन हो मेरा ऐसा लाइफ हो ये सारा का सारा जो काम है वो बिग मी का काम है जो ये विचार हमारे अंदर से आते हैं इसके अलावा हमारे अंदर विचार आते हैं कभी कभी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं हर इंसान के अंदर आते हैं कि हो नहीं रहा कैसे होगा या ये मुश्किल है या वो मुश्किल है न, मेरे पास ये नहीं है मेरे पास साधन नहीं है मेरे पास ये व्यक्ति नहीं है मैं इसको नहीं जानता मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता मुझे कोई हेल्प नहीं करता मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता ये जो काम है ये भी हमारे अंदर का ही एक पार्ट है जिसको मैं कहता हूँ स्मॉल मी स्मॉल मी इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हमें छोटा बनाने का हर समय प्रयत्न करता है और इसके जितने भी विचार हैं ये हमें जीवन में नीचा खींचते हैं So, अगर आपको सफल बनना है मैं हमेशा से कहता आया हूं आपको कभी भी स्मॉल मी की नहीं सुननी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिग मी की सुननी है सो so, ये अपने अंदर की आवाज़ वो भी सिर्फ बिग मी की आवाज़ सुननी है ये पहली आवाज़ पहली एडवाइस आपने इस व्यक्ति की माननी है दूसरी एडवाइस आपने माननी है अपने रियल गुरु की रियल मेंटर की बिकॉज उनका एक गुरु का काम सिर्फ आपको सिखाना नहीं है एक गुरु का काम है आपकी क्षमता को लगातार बढ़ाना आपको लगातार इंस्पायर करना और आपको लगातार स्ट्रेच करके आगे लेके जाना आपकी क्षमता को भी आपको आप जो असली गुरु वो है जो आपको आपकी क्षमता से भी पार लेकर जा पाए दैट इज व्हाट एक्चुअली द रियल गुरु इज राइट सो आपको सिर्फ अगर सफल होना है सिर्फ दो लोगों की बात सुननी है वन इज अपने बिग योर सेल्फ एंड सेकेंड इज जो आपके रियल गुरु हैं या रियल मेंटर हैं वो एक दो या मैक्सिमम तीन हो सकते हैं इफ़ इफ़ यू अल्लाकी बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं होते हैं एंड आजकल मैं देखता हूं कुछ उल्टा ही ट्रेंड ट्रेंड है आजकल ट्रेंड क्या है आजकल हर व्यक्ति जिसने कभी किसी भी कंपनी का फॉर्म भी भर दिया ना वो भी नेटवर्किंग लीडर है लोग कहते हैं सर वो फलानी कंपनी का लीडर आ रहा है अच्छा लीडर की किस बात का लीडर है सर उसने वो एक्स कंपनी करी थी करा हुआ कुछ नहीं था अचीवमेंट कुछ भी नहीं थी सिर्फ फॉर्म भरा था तो लोग आजकल उसको भी लीडर कहते हैं और जब से ये लॉकडाउन और जूम हुआ है तो हर हर आदमी तो ज्ञानी है आजकल हर आदमी सक्सेस गुरु गुरु है राइट right? सो so, आपने किसको सुनना है यू यू आपने सिर्फ अपने रिग्मी की सुनिए एंड अपने रियल गुरु की सुनिए बिकॉज दे आर द पीपल हु इंस्पायर यू राइट जिनके एक्शंस आपको इंस्पायर करते हैं एंड बाकी किसी की बात आपने नहीं सुननी बाकी कोई भी बात आपको आपको बिल्कुल बहरा बन जाना है राइट right? इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा फिर मैं इससे रिलेट करूंगा एक बार एक 40-50 झुंड था मेंढकों का फ्रॉग्स का और उन्होंने बहुत समय से कुछ खाया नहीं था और वो उनको एक बार उनको मौका लग गया वो एक दूध की फैक्ट्री में घुस गए रात के समय में सो so रात के समय में जब वो दूध की फैक्ट्री में घुस गए कुछ यहाँ वहाँ सामान बचा हुआ बिखरा हुआ था तो वो खा रहे थे मौज उड़ा रहे थे इतने में एक बर्तन था जो ज़मीन के अंदर रखा हुआ था सो so उस उसमें दूध था आधा दूध रखा हुआ था उसमें उसके आसपास मुंडेर पे बैठ के लगभग बारह मेंढक उसको चाट रहे थे और चाटते चाटते वो उसके जैसे ही हल्का सा भूकंप हुआ और वो उसके अंदर गिर गए अब बारह मेंढक जब उसके अंदर गिर गए उसका जो लेवल था दूध का वो उनकी हाइट से बड़ा था तो वो अगर कुछ नहीं करते तो ऑब्वियसली वो डूब जाते तो वो बारह के बारह उछल उछलने लगे ताकि उछल करके वो उससे बाहर आ जाए लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी दूध के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाते उसके बाद वापस उसमें गिर जाते क्योंकि वहाँ उनके पास दूध हम सभी जानते हैं लिक्विड होता है तो उस पर वो जैसे ही बैठते फिर नीचे डूबने लगते कोई भी मुंडेर नहीं थी कुछ नहीं था उससे बाहर आने के लिए लेकिन वो बारह लोग बारह मेंढक के पास कोई चारा नहीं था अपनी जान बचाने के लिए वो लगातार प्रयत्न करते रहे लगातार प्रयत्न करते रहे और बार बार प्रयत्न करते नीचे चले जाते इस बीच में क्या हुआ जब उनकी आवाज़ सुन के उनकी चीख चिल्लाट सुन के बाकी जो मेंढक थे वो भी चारों तरफ आके बैठ गए और उन्होंने कहना शुरू किया अरे इसकी तो हाइट बहुत ज़्यादा है तुम कहाँ गिर गए तुम्हें पहले सोचना चाहिए था तुम तो इससे नहीं निकल पाओगे ये तो बहुत ऊँचा है अरे कैसे बाहर आओगे अरे यार अब तो तुम मर जाओगे और दो चार पांच उनमें से ज्ञानी ज्ञान देने वाले जरूर होते हैं उन्होंने कहा अरे इतना लालच क्यों किया तुमने तुम क्या दूध के चक्कर में पड़े हमारे साथ रहते तुम लालच करने की वजह से देखो गिर गए ना अब तुम मर जाओगे अब तो तुम निकल नहीं पाओगे सभी मेंढक इस तरीके की बात कर रहे थे अब लगातार उछलते 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 थक गए एक मेंढक ने सांस तोड़ा उसका दम टूट गया वो मर गया ग्यारह बचे ग्यारह उछल रहे हैं थोड़ी देर बाद अब वो लगातार बाहर से कमेंट्री चालू है अरे बहुत लंबी है यार कैसे बाहर आओगे कोई रास्ता नहीं है अरे यार पहले सोचते ये सब करते तो ग्यारहवें मेंढक ने दम तोड़ दिया अब दस बचे दस में से नौवा आठ सात छः पाँच चार तीन लास्ट में दो ही बचे अब दो के में भी उछलते उछलते बेचारा वो भी मर गया अब एक मेंढक बचा बिल्कुल लास्ट में तब तक वो पुरज वो अपने पूरी हंड्रेड परसेंट क्या थाउजेंड परसेंट एफर्ट कर रहा था और वो बाहर वाले बोल रहे थे अरे यार इतने मर गए अब तेरा भी काम होने वाला अब तेरा भी नंबर आने ही वाला है लेकिन वो नहीं माना वो पता नहीं अजीब किस्म का मेंढक था वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा और इतनी देर से जो इतने सारे मेंढक कूदे कादे उसकी वजह से लगातार हिलने की वजह से जो मिल्क था वो सॉलिड फॉर्म लेने लगा वो मक्खन में कन्वर्ट होने लगा तो उस मेंढक ने जब छलांग लगाई वो ऐसे बैठा इस बार वो अंदर जाने के बजाय गिरा नहीं वो थोड़ा सा अटक अटकने लगा तो मेंढक को समझ में आया यार ये थोड़ा सा ना, ना सॉलिड सा हो रहा है तो उसने और प्रयत्न किया तो थोड़े टाइम बाद वो मक्खन उसका जम गया वो ऊपर सरफेस पे आके बैठा पहले तो उसने बहुत सारी सांस ली अपनी एनर्जी को रीग्रुप किया और उसके बाद में उसने फिर एक ही जंप जोर से लगाई और वो बाहर आ आके जैसे ही वो बाहर आया उसको सारे मेंढकों ने घेर लिया बोले अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया कमाल कर दिया क्या ये तुम बाहर कैसे आए बाहर कैसे आए तो उस मेंढक ने कहा यार क्या कह रहे हो जरा जोर से बोलो उसने तो कहा यार तुम बचे कैसे सारे कोई कोई तो बचा नहीं तुम एकमात्र सर्वाइवर हो ये हुआ कैसे कमाल कैसे हुआ उसने कहा यार क्या बोल रहे हो थोड़ा जोर से बोलो तो एक ने कहा अरे ये बहरा है इसे सुनाई कम देता है इसे ना के बराबर सुने थे कान में जाके बोल चिल्ला के तो उसके कान के पास गया कान के पास जाके बोला अरे तुम बचे कैसे तो वो मेंढक बोला अरे यार तुम्हारी वजह से तो बचा इतनी देर से मैं हम सभी कोशिश कर रहे थे तुम जोर जोर से कुछ कह रहे थे हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे ना मैं तो तुम्हारी वजह से बचाऊँ तो सभी मेंढक एक दूसरे को देखने लगे यार हम कहाँ इसका उत्साह बढ़ा रहे थे तो उसमें से एक बोला अरे हम उत्साह थोड़ी बढ़ा रहे थे हम तो तुम्हें कह रहे थे यार कि ये तो बहुत मुश्किल है तुम नहीं कर पाओगे वो बोला अरे यार बचपन से ना मुझे मेरे अंदर एक डिफेक्ट है मुझे सुनता कम है तो तुम पता नहीं क्या कह रहे थे मुझे तो ऐसा लगा तुम मुझे इनकरेज कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं तो तुम जो कह रहे हो अब तो मैं करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा और मैं बच गया सो so, अब मेरा सवाल आपसे ये है आप कौन से मेंढक होना चाहोगे अपने जीवन में वो मेंढक जो मर गए या वो मेंढक सर्वाइवर मेंढक जो चैंपियन मेंढक अगर आपको चैंपियन मेंढक बनना है तो इस चैम्पियन मेढक की तरह आपको बहरा भी होना पड़ेगा जानते हैं आपको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए बिकॉज हर दूसरा आदमी बोलेगा तुम ये नहीं कर सकते ये तुमसे नहीं होगा ये तेरे बस की नहीं है हैं हाँ, बड़ा आया मर्सिडीज़ में चलने वाला अबे ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं बहुत जाती हैं अरे शुरू में जो आए उन्होंने कर लिया तेरे से नहीं होगा अरे ये नहीं होगा अब तो देख अब तो ये हो जाएगा अब तो वो हो जाएगा अब एंड इनकी अगर आप बात सुनोगे तो मतलब यू कैन नेवर अचीव एनी यू कैन नेवर बिकम एनी मैंने कहा ना आपको सिर्फ दो लोगों की बात सुननी चाहिए एक अपने बिग मी की और अपने रियल मेंटर की बाकी किसी की भी बात आपको सुननी नहीं चाहिए और गलती से अगर सुन लो तो एक सिंपल सी बात है उसको बोल रिजेक्ट राइट रिजेक्टेड एंड उस 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 उससे भी बढ़िया यह है अगर कोई इस तरीके की बात बोलो तो अपने मन में कहो अब तो मैं जरूर करूंगा राइट इस 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 टाइप का टेम्परमेंट सो अगर आपको जीवन में सफल होना है बी इन योर ओन जोन अपनी सक्सेस की जोन में रहो और उस मेंढक की तरह बहरे हो जाओ आपको ना शब्द तो सुनाई नहीं देना चाहिए तुझसे नहीं होगा तो सुनाई नहीं देना चाहिए ना तो सुनना ही नहीं चाहिए तुझसे नहीं होगा आपको सुनाई देना चाहिए तुझसे होगा दिस इज वॉट यू शुड टेक इट एज राइट अब तो फिनिश हो गया मैंने मेरे लाइफ में पता नहीं कितनी बार सुना है अब तो फिनिश हो गया हर दूसरे हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई ज्ञानी गानचंद आके मुझे ये बोल ही देता है लेकिन मैं कभी किसी की बात एक्सेप्ट नहीं करता मैं सिर्फ अपने बिगमी की बात एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई ओनली लिसन टू माईर दैट्स इट आई इंस्पायर माई सेल्फ दिस यू टू डू आपको वो उस मेंढक की तरह होना है एंड आपको कोई अपने एक चीज और बताऊंगा फोकस के ऊपर में एंड घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं उन घोड़ों में और आम घोड़ों में बहुत फ़र्क होता है आम घोड़े की कीमत में और जो रेस में जो जो घोड़े दौड़ते हैं वो करोड़ों में बिकते हैं लाखों में तो आप छोड़ दीजिए जानते हैं क्यों क्योंकि उनके ऊपर दाव भी करोड़ों रुपए के लगते हैं और उनकी एक घोड़े की देखभाल करने के लिए आठ दस आदमी लगे होते हैं उनकी डाइट उनकी मालिश उनकी रख रखाव उनकी सफाई उनकी हर चीज़ उनके कम्फर्ट का इतना ध्यान रखा जाता है जितना तो इंसान का भी नहीं रखा जाता क्यों क्योंकि उनके ऊपर इतने इतने बड़े बड़े दाव जो लगते हैं और जब वो घोड़ों को तैयार करके रेस में छोड़ा जाता है आपको मालूम है उनके यहाँ पर ना एक फ्लिपर लगा दिए जाते हैं ऐसे वो फ्लिपर का काम क्या होता है उससे उनको ना दाएँ दिखता ना बाएँ दिखता उनको कुछ नहीं दिखता उनको सिर्फ सामने अपना लक्ष्य दिखता है कि यार ये फिनिशिंग लाइन है ये मुझे क्रॉस करनी है किसी और से पहले उनको ये पता होता है और उसके बाद फ्लिपर इसलिए लगाते हैं कि क्राउड में आज दस हजार लोग रेस देखने आए हैं या एक लाख लोग देखने आए उनको फर्क ना पड़े वो एक लाख लोगों में से पचास हजार लोग उन्हें हूट कर रहे हैं सत्तर हजार लोग उन्हें इनकरेज कर रहे हैं या हूट कर रहे हैं उसे कोई फर्क न पड़े बगल वाला घोड़ा आगे निकला या पीछे है, बगल वाला जौकी क्या कर रहा है क्या क्या नहीं कर रहा है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे हो और उसका लक्ष्य है वो फिनिशिंग लाइन पर जाना राइट right? एंड उस फ्लिपर की वजह से ही उस क्योंकि उसके वो लगा होता है वो रेसिंग हॉर्स है इसीलिए उसके ऊपर करोड़ों के दाव लगते हैं इसीलिए उसका दाम जो है वो करोड़ों रुपए और इसीलिए वो बहुत कीमती है आज आप ऑर्डनरी हो आप अपने यहाँ पर फ्लिपर लगा लो आप एक्स्ट्रॉडनरी बनना शुरू हो जाओगे लाइफ में बहुत सिंपल बहुत 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 सिंपल सी बात है आप फ्लिपर लगा लो आपको भी सिर्फ अपना लक्ष्य देखना चाहिए मेरा लक्ष्य है मेरा लंबा लक्ष्य ये है तीन से पाँच साल के बाद ये मेरा लाइफ है और मेरा इमीडिएट लक्ष्य है ये मेरा सक्सेस मंत्र है मुझे इस पे चेक के ऊपर पहुँचना है बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से कौन क्या कर रहा है कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई कंसर्नड है ही नहीं राइट उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है जस्ट बी कंसर्न एंड जस्ट जस्ट टोटल फोकस सिर्फ और सिर्फ जहाँ पहुंचना है और अगर आप वहाँ फोकस करोगे और उसके बाद अगर आप काम करोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे आपकी आप आप आपको रोक दे आप सफल होने से किसी को इतनी इजाज़त मत दो कोई आप बताए कि आप कौन हो आप क्या हो और क्या हो सकते हो नो इट इज यू हु शुड डिसाइड हु आर यू हु यू वॉन्ट टू बिकम कभी किसी को इतनी पावर मत दो डोंट लिसन टू एनी लोगे हैं तुम्हारी टांगने के लिए योर बिग मी लिख टू योर रियल गुरु एंड जस्ट उसके बाद फ्लिपर यहाँ लगाओ उसके बाद बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं एंड इसी का एक और पार्ट है नथिंग नेगेटिव शुड गो इन साइड यू आपके अंदर कोई भी चीज uh, नेगेटिव तो अंदर जानी ही नहीं चाहिए राइट right? Hmm, मैं बहुत समय से न्यूज़ नहीं देखता उसका प्रमुख कारण यही है कि उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है लोग बात भी कुछ इसी प्रकार की करते हैं अभी पिछले हफ्ते की बात है किसी ने मुझसे समय लिया सर वेबिनार का समय दे दीजिए मैंने उन्हें को दिया लास्ट वेटनसडे का आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आ गया बोलो सर वेटनसडे को हमारे यहाँ पर ना तूफान एक्सपेक्टेड है ये उड़ीसा से उड़ीसा रीजन से थे तो सर कोई आ, और डेट दे दीजिए अच्छा ओके यार आप थर्सडे ले लो तो थर्सडे बोलो वेडनेसडे को हमारे यहाँ तूफान आएगा काफ़ी बड़ा साइक्लोन बोलते हैं तो साइक्लोन आएगा तो काफ़ी एक्सपेक्टेड है लाइन डिस्टर्बेंस होगी होगी मैं ठीक है थर्सडे ले लीजिए सो so, तभी मेरी किसी से चैट हो रही थी कोलकाता से हैं सो so, उन्होंने कहा बाद में थोड़े टाइम बाद कि मैं आपसे थोड़ा अपसेट हूँ मैंने कहा आप मेरे से क्यों अपसेट हो बोला सर इतना बड़ा तूफ़ान हमारे यहाँ आया आपने यार ये भी नहीं पूछा मेरा हाल कैसा है मैं जिंदा हूँ या मर गया मैंने कहा यार भाई मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन क्या है मैं न्यूज़ देखता नहीं तो मुझे पता नहीं है मैं मैं दूर रहता हूँ इन चीज़ों से बिकॉज मैं मुझे ये तो पता था आने वाला लेकिन मैंने भूल गया मेरे जहन से निकल गया आई डोंट फोकस ऑन दीस थिंग्स क्योंकि अगर मैं न्यूज़ में बैठ के देखूँ तूफान अभी आने वाला अभी बारह घंटे हैं अभी दस घंटे हैं अभी आठ घंटे हैं अभी छः घंटे हैं अभी ये हो जाएगा अभी वो हो जाएगा मैं कर क्या लूँगा उसमें मैं यहाँ बैठ करके उसको यूं करके तो मैं रोक नहीं दूंगा ना अपने हाथ से अगर ऐसा होता तो मैं देख के रोक देता लेकिन आई कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट सो उसको देख करके फा, उसको फ़ायदा क्या है आप देखो हर गर्मी में क्या होता है इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी लोग जल जाएंगे लोग झुलस जाएंगे सर्दी में क्या होता है इस बार इतनी बर्फ़ पड़ेगी क्या जम जाएगी दिल्ली वही है यही न्यूज़ है इनके पास में वही क्या सो so, अगर आप ये ये देखते रहोगे द सो मेनी नेगेटिव थिंग्स गो इनसाइड यू सो आपके अंदर कचरा जा रहा है कचरा जाएगा आपके अंदर तो आपके अंदर से बाहर क्या आएगा कचरा डालोगे कचरा ही तो बाहर आएगा एंड मुझे क्या लेना आई I मीन mean, गर्मी पड़े सर्दी पड़े मुझे इतना पता है मुझे मेरा पेचे कितना लेना है मुझे, है।, मुझे है मुझे इतना पता है मुझे इतना पता है मुझे इतना काम करना है और मुझे यहाँ पहुँचना है और मैं पहुँच के रहूँगा एंड नो बडी कैन स्टॉप मी मुझे इतना पता है बस एंड दैट इज़ वॉट यू शुड बी कंसर्न दैट इज़ वॉट यू शुड बी फोकस्ड ऑन एंड यही यही आपका काम है राइट right. सो so, बिल्कुल वो मछली की आँख की तरह सिर्फ उसी को देखना है फ्लिपर्स लगा लीजिए और बिल्कुल बहरे बन जाइए सुनाई तो देना ही नहीं चाहिए कौन आपके बारे में क्या कहता है कहने तो यार क्या फ़र्क पड़ता है कौन किसके बारे में क्या नहीं बोलता नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं आ, बच्चन साहब के बारे में लोग अभी इतने बड़े लीजेंड हैं अभी भी बहुत कुछ जिसको बोलना है वो बोलते ही हैं सो लेट लेट दैम से आई मीन लेट पीपल हैव द ओपिनियन लोगों का तो काम ही है आई मीन ओपिनियन अपने रखना सो so, रखने दो इट इट डिजन मैटर टू यू एंड किसी के ओपिनियन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एंड जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं सफल लोग हैं मैंने उनसे एक चीज़ और सीखी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कोई क्या कहता है राइट उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है उन्हें पता है उन्हें कहाँ पहुँचना है सो so सेम आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पहुँचना है आज से पाँच साल पहले छः साल पहले जब मैंने डिसाइड किया था मुझे एक करोड़ का चेक लेना है तो मैंने uh, डिसाइड किया उसको मंत्र की तरह जपना शुरू किया और मैंने डायरी में लिखना शुरू किया एक एक, एक लाइन एक एक पेज हर रोज़ लिखता था कि आई एम अर्निंग वन करोड़ रुपीज़ मंथली विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड और उसके बाद ये ये प्रोसेस मैंने बहुत फॉलो किया और मुझे ऐसे लगने लगा कि ये कंपनी जो जो भी कार्य कर रही है ये मेरे लिए कर रही है ये जो भी स्कीम लेके आती ये जो भी करेगी ये मेरे लिए करेगी ये 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 मुझे एक करोड़ की आमदनी देने के लिए कंपनी चल रही है और ऐसा ही हुआ पाँच करोड़ का क्लब आया वो किस लिए आया था मुझे 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 तो हंड्रेड परसेंट पता है, वो मेरे लिए आया था इट right? सो so, जब आप अपने इर्द गिर्द ऐसा एक जोन बना लेंगे जहां आपको सब बात सुननी बंद हो जाए सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जोन में रहें अपनी सफलता की जोन में रहें और दिन रात वो चीज़ आपकी चेतना में अगर रहने लगे तो दैट इज वॉट यू विल अचीव राइट सो सिर्फ मंत्र मंत्र सफलता मंत्र सफलता मंत्र कांस्टेंट वो चैट जो है वो वो ध्यान जो है वो मेंटल फिजिकल वो लगातार उसके ऊपर ध्यान यही गेम है और ये बहुत सिंपल है अगर आप इसको समझ जाएं और जब तक आप इसको नहीं समझते ये उतना ही आ, मुश्किल लगता है या कई लोग क्या सोचते हैं कि स, जो सफलता है वो बहुत मुश्किल कार्य को करने से आती है नहीं ऐसा नहीं है सफलता सिंपल चीज़ को करने से आती है लेकिन उसको रिपीट करने से आती है एक बार कोई भी काम करके आप सफल नहीं हो सकते लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं आपको अगर आ, अच्छी सेहत बनानी है तो आपको एक डेढ़ दो घंटे जो भी आप चुने चाहे आप पार्क में जाकर वॉक करें या आप योगा चुने या आप जिम चुने जो भी चुने लेकिन वो एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी है एक दिन आठ घंटे या दस घंटे व्यायाम करके आज तक कोई स्वस्थ नहीं बना आप ही नहीं बन सकते सो एक दिन आठ घंटे काम करके आप या एक दिन सही सोच करके आप स्वस्थ नहीं बन सकते इट इज़ अ प्रोसेस जो आपको डेली फॉलो करना है ना लोगों की प्रॉब्लम क्या है वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं राइट right? और दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ स्पेशली जब से लॉकडाउन बंद हुआ है लोग क्या करते हैं आज साढ़े बारह बजे से डेढ़ दो बजे तक सिद्धार्थ सिंह दो बजे के बाद एक्स पर्सन चार बजे वाई पर्सन सात बजे जेड पर्सन बारह बजे तक वेबिनार अगले दिन फिर सुबह उठे फिर वेबिनार दिन में क्या किया छः वेबिनार आ ग्रेट अगले दिन क्या किया चार किताब पढ़ डाली फॉलो किसको किया किसी को नहीं किया तुम 500 लोगों को सुनोगे तुम सिर्फ कंफ्यूज होोगे तुम कुछ नहीं कर सकते वाई बिकॉज यू आर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल उसके बाद क्या हुआ आप बन जाओगे जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन क्योंकि आप क्या करोगे फिर किसी से बात करोगे एक लाइन स्पीकर की ले ली दो लाइन उस स्पीकर की ले ली दो दो लाइन उस किताब से ले ली तीन लाइन उस किताब से ले ली कुछ बोलोगे लोग तो कहें यार बार नॉलेज तो बड़ी है बस वो नॉलेज इतनी है व्हाट्सअप पे लिख दोगे फेसबुक पे लिख दोगे सौ बेवकूफ अंगूठा दिखा देंगे उससे मिलेगा कुछ नहीं एक सिंपल सी बात सुनो गुरु को कभी मत सुनो गुरु की सुनो अगर सफल बनना है जब तक आप फॉलो नहीं करोगे रिलीजियसली नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ आप जिसको मर्जी जाके सुनो नथिंग विल चेंज इन इन योर लाइफ इफ़ यू डोंट फॉलो इट अप एंड अगर आप 500 लोगों को सुन रहे हो आपने लॉकडाउन में पाँच वेबिनार अटेंड कर लिए मैं आपसे पूछूँ आप फॉलो पूछू, क्या आप फॉलो क्या कर रहे हो फॉलो खत्म देन नथिंग विल हैपन सो वॉट यू नीड टू डू इससे बढ़िया है आप एक दो या तीन लोगों को सुनो वट काइंडली फॉलो देम काइंडली फॉलो वट एवर दे ट एल यू जिसको भी आप अपना आइडल मानते हैं जिसको भी आप uh, रेल में जब जै, जैसा परिणाम चाहते हैं सो उनको फॉलो ज़रूर करें खाली सुने ना खाली सुनना विल नेवर गिव यू एनी थिंग यू नीड टू फॉलो इट अप कंटिन्यूसली एंड द बेस्ट थिंग इज टू प्रूव आई मीन सिर्फ फोकस ऑन योर सक्सेस उसके दाएँ क्या हो रहा है बाएँ क्या हो रहा है आपको उससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए आपको उससे फ़र्क क्या पड़ता है आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एंड जस्ट जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर सक्सेस इफ अगर आप रियली really में सक्सेसफुल होना चाहते हैं सो जस्ट अपने सक्सेस मंत्र सक्सेस मंत्र सक्सेस मंत्र उसके लेफ्ट क्या है राइट right क्या है ऊपर क्या है नीचे क्या है यू शुड नॉट बी कंसर्न विद दैट राइट right? एंड थोड़ा सा ध्यान अपने स्ट्रक्चर पे दीजिए छह एक्टिव लाइन आपकी वर्क करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ को नीचे टीम में डुप्लीकेट कराएं यदि अभी आप एल नहीं लेते हैं तो जल्दी से जल्दी आप एल लें इसके ऊपर खास आप ध्यान दें एंड उसके बाद आपकी टीम में भी लोग आज कितने लोग एल ले रहे हैं ये देखें यदि आज आपकी टीम में तीन लोग एल ले रहे हैं तो आप ये लक्ष्य बनाएं कि आने वाले दो तीन महीने में आप दस दस आप दस लोगों को एल दिलाएंगे बिकॉज अगर वो एल लेंगे उनकी आमदनी अच्छी आएगी तो आपकी आमदनी ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी और अगर आज दस हैं तो ये बीस या तीस कब होंगे सो इंक्रीज दैट नंबर ऑफ टेक पीपल टेकिंग मल्टीपल एल इन योर टीम बिकॉज ये करेंगे तो वो अच्छा पैसा कमाएंगे वो अच्छा पैसा कमाएंगे तो वो टेकेंगे कोई भी व्यक्ति यहां इसलिए काम नहीं करता कि वो काम करे और आपको पैसे आए दिस इज नॉट राइट राइट सो so, एंड ऐसा होने वाला भी नहीं है सो मेक श्योर आपकी टीम में लोगों का स्ट्रक्चर सही हो छः लाइन के ऊपर वो काम करें कई बार मैं लोगों को देखता हूँ लोग क्या गलती कर रहे हैं दो लाइन सत्रह सत्रह परसेंट पर चल रही है उन्हीं में लगे हुए हैं उसके बाद अगले महीने क्या होगा एक लाइन बॉन्ड्स डायरेक्टर हो जाएगी फिर क्या है साइड वॉल्यूम नहीं होगा साइड वॉल्यूम नहीं होगा तो चेक नहीं आएगा चेक नहीं आएगा अरे हाँ आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है चेक नहीं आएगा तो लोग तीन महीने जब स्ट्रगल करेंगे ये नहीं देखेंगे कि स्ट्रक्चर में मेरी प्रॉब्लम है वो उसके बाद क्या करेंगे वो कई लोग बहुत समझदार होते हैं वो कहते हैं कि अरे यहाँ तो साइड वॉल्यूम करना पड़ता है अब मैं ऐसी कंपनी ज्वाइन करता हूँ उसे साइड वॉल्यूम ही नहीं होता अच्छा ऐसी कंपनी कौन सी है अगर ऐसी कोई कंपनी होती ऐसा कोई सिस्टम सही होता तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि एक लोग का एक ग्रुप बनाते और नौ सौ निन्यानवे लोग ऐसे एक के नीचे एक के नीचे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ज्वाइन हो गए हज़ारवे आदमी के नीचे नौ सौ निन्यानवे जो भी बिजनेस लाते एक हज़ारवे आदमी के नीचे डालते नौ सौ निन्यानवे को रुपयेआउट मिलता कितना मजा आता यार वाह वाह जिंदगी कितनी बढ़िया होती बट ऐसा होता नहीं है ना ये सिर्फ शेख चिल्ली की दुनिया में होता है और जो लोग फिर इन चीज़ों को समझते नहीं है वो क्या करते हैं वो फिर इधर उधर छोड़ के और उसके बाद वो इधर उधर काम करते हैं और फिर वो क्या करते हैं वो ऐसे मूर्ख लोग एक वीडियो बनाते हैं आ, कि मैंने ये कंपनी क्यों छोड़ी और वो तो बनाते ही बनाते हैं और 500 सौ महामूर्ख उसको देखते हैं ये बड़ी गजब की बात है और ए, एक एक ऐसे ऐसे थिंग्स हैपन यू नो वाई बिकॉज उन्होंने कभी सिस्टम को समझा ही नहीं अरे भाई अगर साइड वॉल्यूम नहीं करोगे बैलेंस नहीं करोगे दुनिया में कौन सा सिस्टम है जो आपको पे आउट दे देगा ऐसी कोई कंपनी आज तक ना हुई ना होगी और अगर कभी गलती से कोई किसी ने बना दी तो वो कंपनी ऐसी होगी जो पहला पे आउट ही नहीं कर पाएगी वो पहले पे आउट से ही वो अगर अडानी से भी लोन लेके आए ना वो दिवालिया हो जाएगी सो ये दट इस नॉट यू यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको ये चीज़ समझना है लेकिन क्या है कि ये कहावत है लालचियों के शहर में ना ठग भूखे नहीं मरते तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना ये ठगी तो होते हैं तो इनके चक्कर में ये ठग होते हैं और हाँ हाँ आजकल एक ठगी और चल रही है अरे मेरी टीम में आ जाओ मेरी टीम में आ जाओ मैं तुम्हारे नीचे अरे तू कौन सा उसके नीचे कौन सा इंजन लगा देगा भाई जेट का इंजन लगा देगा जो लूना के अंदर की वो वो उड़ने लगेगी वह वो पॉसिबल नहीं है राइट दैट इज नॉट पॉसिबल आई मीन काम आपको करना है सिस्टम सिस्टम सबके लिए सेम है आप जहां हो वहां रहो हेल्प किसी से भी आप ले सकते हो इंस्पायर आप किसी से भी हो सकते हो इक्लव्य ने कौन सा गुरु द्रोण से जाकर के सामने शिक्षा ली थी केवल उनकी मूर्ति बनाकर उनको गुरु मान के और उसी तरीके से वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्मोधर बन गया था तो ये जो आजकल एक जो, जो जो ये रैकेट चल रहे हैं ना ये मेरी टीम में आ जाओ ये आ जाओ ये 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 ये, अप, ये अपनी रोटी सेकने के चक्कर में ये आपको बर्बाद कर रहे हैं इनके चक्कर में कभी मत पड़ना लोगों की प्रॉब्लम एक्चुअली पता है क्या है ईजी ईजी मनी ये तो मैंने कहा यार शॉर्ट सक्सेस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है आप अमिताभ बच्चन से जाकर के पूछो आज भी वो कितनी रिहर्सल करते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है इस समय आप जाकर के देखो विराट कोहली कितना सो रहा है अरे भैया वो रोज आज भी साढ़े चार पांच बजे उठता है वो अभी भी अपनी डाइट फॉलो कर रहा है वो अभी भी अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहा है यू नो वाई बिकॉज जो वो नंबर वन प्लेयर उसे नंबर वन बने रहना है उसे मालूम है वो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो मैं सो रहा हूँ जब टूर्नामेंट से दस दिन पहले मैं आऊंगा या कोई कोच उसको कहे विराट आम तेरे को तू छ महीने सो आराम से साल में मैं तेरे को चैंपियन बना दूंगा ना 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 ऐसा नहीं होता ऐसा होता नहीं है लेकिन कुछ मूर्ख लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और लोग उन, उन, उनका इस्तेमाल करते हैं सो so, कभी भी अपने आप को इस हद तक मत लेके जाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करें बिकॉज उसके बाद में क्या होगा वापस आपकी शिफ्टिंग वही हो जाएगी या दस पछेड़े पड़ेंगे जो ध्यान आपका सक्सेस मंत्र पे होना चाहिए था वो कहीं और हो जाएगा जो ध्यान आपका आपके गोल पर होना चाहिए था वो कहीं और हो जाएगा सो so, कुछ और बनने के बजाय आप यू विल लूजिंग द अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली इन द एंड यू विल बी द लूज़र सो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें आपको और बोलना चाहूँगा कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता जैसे फर्स्ट टाइम जब जब, जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो मुझ बाईस मार्च का वो दिन था तो मुझे भी ये लगा कि यार ये बारह चौदह घंटे का लॉकडाउन होगा उसके बाद आया तब बोला जी एक दो दिन और ऐसे ही रखना फिर 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 आ गया अभी इकतीस एक, तक एक्सटेंड हो गया तो मेरे कुछ ट्रैवल प्लान थे मैंने इकतीस तक पोस्टपोन किए उसके बाद आया जी अभी ये चौदह तक हो गया चौदह से पहले आ गया अभी और एक्सपैंड हो गया तो बहुत लोगों ने लाइक बड़े बड़े इस पर अपसेट हुए और मेरे पास ये बोले सर आपका क्या कहना है मैं मेरे मेरा मेरा कुछ कहना नहीं है बोला आप क्या कर रहे हो मैंने कहा कुछ नहीं यार मैं रोज चार से पाँच घंटे फिजिकली कुछ कर रहा हूँ तीन चार घंटे ध्यान लगा रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ भाई अपने को अपने को आगे बढ़ा रहा हूँ बोले इस लॉकडाउन से आपको क्या परेशानी मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है बोले क्यों बिकॉज ये मैं इसको कंट्रोल नहीं करता जिस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं करता मैं उसके बारे में सोचूं क्यों हां जो हालात हैं उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं मुझे उसके बारे में सोचना है एंड दैट इज वॉट एक्चुअली इट इट शुड बी सो जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, भी बहुत से लोग सर दो तारीख को क्या होगा मैंने कहा मुझे नहीं पता और दो तारीख को क्या होगा आजकल जिससे भी बात करता हूं दो तारीख को क्या होगा मैंने कहा मुझे नहीं पता यार राइट right? जो होगा पता लग जाएगा अब जो भी हो उसका फायदा किसको होगा उसका सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा जिसकी टीम में सबसे ज्यादा बड़ी और बड़े एक्टिव लोग होंगे उसको फायदा होगा तुम्हारी टीम तो यार 50 एक्टिव लोगों की है या 10 एक्टिव लोगों की है, तुम्हें क्या फायदा होगा तुम्हें फायदा होगा ना के बराबर तुम्हें फायदा पता है कब होगा जब तुम्हारी टीम में दस लाख एक्टिव लोग होंगे सो तुम्हारा काम है तुम्हारी टीम में दस लाख एक्टिव लोग हों जल्द से जल्द ये तुम्हारा काम है तुम इस पर करो जो कंपनी का काम है वो कंपनी के ऊपर छोड़ दो उनका कार्य उनको करने दो उनके कार्य में इंटरफेयर मत करो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर अपना समय मत खराब करो आप अपना समय सिर्फ और सिर्फ अपने को अपनी अप, अप, जहां पहुंचना है वहां लगाइए दैट्स इट तब दिस इज व्हाट इट इज सो जिस चीज में हमारा कंट्रोल नहीं उस चीज के बारे में मुझे सोचना क्या है एंड इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर करूंगा राइट एक जमाने में जो चीज़ कभी लग्जरी हुआ करती थी ना आज वो नेसेसिटी है आज से तीस साल पहले सबके घर में टीवी नहीं होता था आज से बत्तीस साल पहले बत्तीस साल पहले सबके घर में टीवी नहीं होता था उस समय मोहल्ले में एक टीवी होता था संडे शाम को पिक्चर आती थी जिसके घर पे संडे की शाम को जूते चप्पलों का ढेर है समझ जाओ उसके घर में टीवी है ठीक है आज से तीस साल पहले सबके घर में फ्रिज नहीं होता था इस गर्मी के समय में लोग आते थे दूध रखने ये हम अपना दूध आप यहां रख दें जी मेहमान आए हैं ठंडा पानी दे दीजिए जी बर्फ दे दीजिए ये समय था आज से तीस साल पहले आज आज झुग्गी में भी टीवी है आज झोपड़ी में भी फ्रिज है क्योंकि आज वो लग्जरी नहीं है आज वो नेसेसिटी है आज से तीस साल पहले पैंतीस साल पहले मोबाइल तो होते नहीं थे लैंडलाइन फोन एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी जिसके घर लैंडलाइन फोन है वो बड़ा आदमी है उस समय लोग कार्ड छपवाते थे नाम और फोन नंबर के नीचे लिखा होता था पीपी पीपी -पी का मतलब आपको पता है क्या होता था पर्सन प्लीज मतलब पड़ोसी को बुला दो भाई ये पड़ोसी का फोन है पर्सन प्लीज पीपी -पी नंबर चलते थे पूछना ओके okay? उस समय क्या था फोन एक लग्जरी थी आज एक छठी क्लास का बच्चा भी बाहर जाता है उसके पास फोन होता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर सके क्योंकि आज फोन एक नेसेसिटी है ऐसे ही फूड सप्लीमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग आज से पंद्रह साल पहले दस साल पहले लग्जरी थी आज नेसेसिटी आज लग्जरी नहीं है अभी दो महीने पहले आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे फूड सप्लीमेंट्स को असेंशियल्स में डाला आप जानते हैं असेंशियल्स क्या होते हैं असेंशियल्स होते हैं वो चीज जिनके बिना जीवन संभव नहीं है जैसे आटा दाल चावल तेल चीनी नमक हल्दी इनके बिना खाएगा नहीं तो आदमी जिएगा कैसे फूड सप्लीमेंट को क्यों डाला गया इस श्रेणी में आप क्या नहीं सुन रहे कि कोरोना से वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको है बुजुर्ग लोगों को है जी और उनको है जिनको डायबिटिक है डायबिटिक में होता क्या है इम्यूनिटी खत्म हो जाती है या इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर हो जाती है ठीक है हमारे सप्लीमेंट्स करते क्या है रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाते हैं आप रो आज आज ये आज से दस साल पहले पांच साल पहले ना बड़ा समझाना पड़ता था सप्लीमेंट 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 आदमी को समझ ही नहीं आता था आज समझाने की जरूरत नहीं है आज ये असेंशियल्स में है चाहे कोरोना हो अरोना हो या अभी कुछ और आ रहा हो मुझे नहीं पता हर चीज का सिंपल एक ही रूल है आपकी इम्यूनिटी जितनी हाई होगी आप उतने ज्यादा स्वस्थ रहोगे आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब इम्यूनिटी हाई होगी कहां से पिज्जा खाने से तो इम्यूनिटी हाई होने से रही बर्गर खाने से तो इम्यूनिटी हाँ होने से रही राइट होगी कहां से होगी फूड सप्लीमेंट से इसीलिए इनको एसेंशियल्स जरूरी में डाला गया जिनके बिना जीना संभव नहीं है सो so सप्लीमेंट आज एक जमाने में लग्जरी होती होगी बड़े लोग खाते होंगे आज सबकी जरूरत है जैसे आज से छोड़ो साल दो साल पहले भी अगर कोई मास्क लगाए मेरे को मिलता था मैं कहता था यार क्या बेवकूफ आदमी है सैनिटाइजर की आपको बात बताता हूं आज से पांच साल पहले मैं उड़ीसा गया था कटक में अवार्ड सेरेमनी थी कन्वर जी पहले, पहले पहुंच गए थे उन्होंने मुझसे कहा यार हैंड सैनिटाइजर लिया हो बहुत सारे लोग मिलते हैं यार कहां कहां पता नहीं हाथ लगता है मैंने पूरा भुवनेश्वर छान मारा पांच साल पहले मैं जिस केमिस्ट के पास जाऊं बोलो हैंड सैनिटाइजर वो ऐसे मुझे देखता था जैसे मैं पता नहीं कौन से मंगल ग्रह से आ गया हूं आज 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 नेसेसिटी है सो so, एसी फूड फूड सप्लीमेंट जो हैं वो ऑलरेडी नेसेसिटी बन चुकी है आपको इम्यूनिटी हाई रखनी है सरकार ने सबने कह दिया भैया ये तो बीमारी ऐसी चलेगी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सबको अपना अपना ख्याल रखना है तो सबको अपना अपना ख्याल रखना है तुम्हें ना मास्क बचाएगा ना कुछ बचाएगा इम्यूनिटी बचाएगी और इम्यूनिटी के लिए ही वेस्टीज सप्लीमेंट्स हैं सो रिलीजियसली रिलीजियसली सप्लीमेंट्स खाना रेगुलरली मैं खाऊं और दूसरा मैं अपने घर घर में सबको सेहतमंद रखूं मैं अपने घर में सभी को सप्लीमेंट्स खिलाऊं राइट अगर एक परिवार ईमानदारी से सप्लीमेंट खाए तो चार पांच हजार के आराम से बहुत आराम से सिर्फ सप्लीमेंट सप्लीमेंट एक घर में लगते हैं दोस्त पहली चीज तो सबसे पहले जान है तो जहान है पह, पह, पहला सुख निरोगी का पहला सुख तो है ना खुद को स्वस्थ रखना तो इसके लिए कब होगा जब आप सप्लीमेंट्स खाओगे रिलीजियसली खाओगे सो रिलीजियसली सप्लीमेंट खाना शुरू कर दो उसके बाद स, घर में सबको खिलाने शुरू कर दो क्योंकि आज ये नेसेसिटी है अब आता हूं दूसरे पॉइंट पर जो लोग अपना फोकस बनाए रखेंगे जिन्होंने आज इन, कुछ सीख लिया जो लोग सिर्फ अभी इंतजार कर रहे हैं मैं कब भौंकना बंद करूं उसके बाद अगले वेबिनार में जाएं उनको तो मैं राम राम, राम आपको तो, तो, मैं कुछ बता नहीं सकता जी मैं मेरी आप तो कहीं और जाके कुछ जो आप कहीं और जाइए आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन जो लोग रियली में लाइफ चेंज करना चाहते हैं राइट आपको बता दूं अगर आप टोटल फोकस करोगे आपको कहां पूछना इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता अपने को ग्रो करने के लिए है ना वाई बिकॉज दिस इज द टाइम टू ग्रो क्यों क्योंकि आप देखो कल तक जो लोग अपनी जॉब को सेफ मानते थे मैं तो ये बढ़िया तनख्वाह मिलती है आज कहाँ गई बढ़िया तनख्वाह पंद्रह से पैंतीस परसेंट की कटौती हो रही है इतने सारे लोगों इतनी जगह इतनी जगह लोग निकाल दिए गए हैं इंप्लॉई इंतजार कर रहा है कुछ बहाने से इसे मैं घर बिठाऊं कैसे इसका काम टिकट काटूं कौन सी नौकरी सेफ है मेरे भाई कौन सा बिजनेस सेफ है होटल के बिजनेस बंद पड़े हैं बैंकुट हॉल बंद पड़े हैं करोड़ों रुपए लगा करके सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके नखरे इतने होते थे वेटिंग ले, वो, वो, जी टेबल बुक कर लो नहीं जी नहीं टेबल बुक नहीं करते हमारे यहाँ तो जो आता है जी लाइन लगी रहती है आज घर में फोन करके बोल रहे हैं ईमेल कर रहे हैं जी हमने डिलीवरी शुरू कर दी है करोगे भैया डिलीवरी भी शुरू करोगे तो जैसे वन सप ऑन टाइम डायनासोर थे तुम भी वन सब ऑन टाइम हो जाओगे वहां जी एक जमाने में यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था हिस्ट्री हो जाओगे आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो अब इतने सारे लोग इस समय उनको एक उनको उनको एक ऐसी आमदनी की जरूरत एक सबसे पहली बात तो इम्यूनिटी की जरूरत है राइट दूसरी चीज उनको किस चीज की जरूरत है उनको ऐसी आमदनी की जरूरत है जो लॉकडाउन प्रूफ हो जो कोरोना प्रूफ हो जो हर चीज से प्रूफ हो कुछ भी हो जाए ऐसा कोई सिस्टम है मैं ने यह बिजनेस सात रुपए के प्रोडक्ट से शुरू किया था क्योंकि उस समय जेब में रुपए इतने ही थे दो प्रोडक्ट खरीदे थे नोनी नोनीसपेरोना वहां से यह बिजनेस शुरू किया था राइट पिछले महीने पूरा लॉकडाउन रहा अप्रैल का महीना आप सबको पता है सामान सामान पहुंच नहीं रहा था ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी उसके बावजूद मेरा पे 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 आउट जो है ना चौंसठ लाख रुपए से ऊपर था जिन्होंने बीस पचास पचास करोड़ रुपए का सौ सौ करोड़ रुपए लगा रखे उनको चौंसठ लाख रुपए नहीं आए पिछले महीने ये है ये बिजनेस राइट एंड इतने सारे लोग अब चाह हर कौन नहीं चाहता अपने लिए सिक्योरिटी इन 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 इनसर्टिनिटी कितनी आई है एक आम आदमी में यार इतने लोग मर गए इतना कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ कभी कुछ भी हो सकता है मेरे बाप मेरे परिवार का क्या अरे दो चार पांच साल यार ये बिजनेस तो करो उसके बाद चले भी जाओगे कम से कम बीवी बच्चे रोड पर नहीं आएंगे जो लाइफ है वो चलता रहेगा एक जमाने में ये बिजनेस लग्जरी हो सकता था लेकिन आज ये नेसेसिटी है ये जो जोश जितना जल्दी समझ लेगा वो उत, उत, उतना उसके लिए अच्छा है एंड बिना आपके करे कोई कर नहीं सकता कोई अपलाइन आपको कामयाब नहीं बना सकता ये सबसे बड़ी मिथ है अपलाइन का काम है आपको रास्ता दिखाना चलना आपका काम है एंड अगर आपको इंस्पायर होना आप कहीं से भी इंस्पायर हो सकते हो मुझे एक स्टोरी याद आती है एक राजा ने ऐलान किया अकबर बादशाह ने ऐलान किया कि ठंडे पानी में सर्दी का दिन था ठंडे पानी में पूरी रात जो गुजारेगा उसको मैं इनाम दूंगा तो एक बेचारा गरीब आदमी वो नंगे बदन चला गया ठंडे पानी पूरी रात कड़कड़ाती कर, ठंड में रहा तो राजा ने उसको बुलाया बोला यार तू तु, उन्हें कमाल कर दिया इनाम तो मैं तुझे दूंगा पर ये बता ये किया कैसे बोला जी इतनी आपके महल में ना रोशनी जल रही थी उस रोशनी को देख देख के उसकी गर्माट सोच के उस 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 उसकी वजह से मैं पूरी रात ठंड में खड़ा हो पाया जहां हो वहां रहो और कामयाब सिर्फ आप अपने आप को कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता इस छलावे में मत आओ कि ये तुम्हारे लिए कर देगा वो कर देगा क्या करेगा काम तो तुम ही करोगे कोई और करेगा क्या कोई और तुम्हारे लिए डाउनलाइन साइन करके दे देगा इतना ही अगर उसे तुमसे प्यार है तो बोलो यार दस बीस लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया कर यार अकाउंट में भाई ना अगर ऐसा कोई आदमी मिले तो मुझे मुझे बता देना भाई मेरे मे, मे, मुझे, मुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए ऐसी ऐसी इनकम मुझे भी चाहिए होगी मैं भी वेलकम करता हूँ अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो राइट इन सलाबों में मत पढ़ना जब तक आप नहीं करोगे स्वर्ग में किसको जाना है मुझे जाना है मरेगा कौन मरेगा करण सिंह ना 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 मरेगा अनिल वर्मा मैं मरेगा कुल विजय हाँ मैं मैं थोड़ी करूँगा So, इस मेंटेलिटी से बाहर आओ ये जो मुफ्त की मेंटेलिटी है एंड ये चीजें जो मैंने आपको बताई अगर आप ये करना शुरू कर दो सी एंड उसके बाद दिन में पंद्रह मिनट या बीस मिनट से शुरू करो मेडिटेट एवरी डे जस्ट पंद्रह मिनट से आप शुरू करो कोई कुछ नहीं आता ना अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ कोई भी राइट right, आग बंद करो आग बंद करने के बाद कुछ भी कुछ भी नहीं आता वैसे तो आपको मेरी या आप चाहें तो आप ले सकते हैं आपको तो मेरी ऑडियोज कहीं ना कहीं क्रिया से मिल जाएगी लेकिन अगर मेरी आवाज़ पसंद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है को, कोई बात नहीं मैं आपको तरीका बता देता हूँ कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ राइट फ्लूट या कुछ भी आग बंद करो डीप ब्रीदिंग करो ठीक है सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो दो चार मिनट उसके बाद एक सिंपल लाइन माई गॉड गाइड्स मी एंड प्रोटेक्ट्स मी ऑल द टाइम माई गॉड गाइड्स मी एंड प्रोटेक्ट्स मी ऑल द टाइम माई गॉड गाइड्स मी इन प्रोटेक्ट्स मी ऑल द टाइम मेरा खुदा मुझे राह दिखाता है और मेरी रक्षा करता है हर समय मेरा खुदा मुझे राह दिखाता है और मेरी रक्षा करता है हर समय मेरा खुदा मुझे राह दिखाता है और मेरी रक्षा करता है हर समय ये बोलना शुरू करो पंद्रह मिनट बीस मिनट एंड देन सी द चेंज इन यू सी द चेंज इन यू अड़तालीस दिन का मैं आपको चैलेंज देता हूँ अगर आप में हिम्मत है अगर आप रियली में आ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर एक टिप एक कोई एक टिप दे दीजिए कोई एक टिप दे दीजिए ये बिजनेस जो है लीडरशिप का बिजनेस है आपने सुना होगा हजार दफ़ा बाली साहब भी बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं और ये फैक्ट है ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है एक लीडर में एक रियल लीडर में और बाकी जो लोग दिखावे के लोग होते हैं उनमें अंतर क्या होता है एक रियल लीडर की कथनी और करनी में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा उनकी कथनी और करनी एक होती है जो जो असली लीडर होते हैं ना मैं आपको चैलेंज देता हूं अगर आपको सफल होना ना मैं आपको अड़तालीस अड़तालीस दिन जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आप वो करके तो देखो आप वो करके देखो आप अपना सफलता आप अपना बना के देखो सफलता का मंत्र रिपीट करके देखो बार बार आप बहरे बन के देखो आप फोकस अपना करो राइट रिपीट करना सफलता का मंत्र मेडिटेट करना जितनी चीज़ें मैंने आपको ये बताई आपने नोट्स बनाए होंगे आप अड़तालीस दिन इसको कर लो रिलीजियसली बिना किसी नागा के बिना किसी छुट्टी के बिना किसी गैप के फोर्टी डे अगर आपके चेंज में ना आए ना अगर आपके अंदर चेंज ना आई अड़तालीस दिन करते हुए कोई भी मेरे पास आना और मेरे से बोलना सिद्धार्थ सिंह तुम झूठ बोलते हो और आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं अगर इफ यू हैव गट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड सी हाउ योर मेंटेलिटी चेंजेस यू विल बी ऑन द ट्रैक मैं ये नहीं कह रहा अड़तालीस दिन में तुम्हारा पे आउट लाखों रुपये का हो जाएगा मैं ये नहीं बोल रहा लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा और अगर प्रोसेस समझ में आ गया ना तो फिर उसके ऊपर आपको चलना आ जाएगा और अगर चलना आ गया ना तो जैसे 20 मीटर चला जाता है ना 200 मीटर भी वैसे ही चला जाता है और दो किलोमीटर भी वैसे ही चला जाता है प्रोसेस वही है उसके बाद आता है रिपीटिशन 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 राइट बिलीव इन योर सेल्फ अपने ऊपर विश्वास करो बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड फोकस ओनली 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 ऑन योर सक्सेस मंत्र कभी किसी को मत करो कि वो आपको बताए कि ये आप नहीं कर सकते या ये आपके बस का नहीं है किसी में इतनी पावर नहीं है किसी को इतनी पावर दो ही मत चाहे वो दुनिया में कोई भी क्यों ना हो कोई भी मतलब कोई भी कभी किसी को इतनी पावर मत दो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ लाइफ में उतार चढ़ाव सबकी आते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन की गाड़ी ऐसी चलती हो सबकी लाइफ में रोलर कोस्टर्स आते हैं लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो रोलर कोस्टर या वो डिफ़िकल्ट टाइम में टफ टाइम सबकी लाइफ में आता है लेकिन पता है क्या टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू मुश्किल समय कभी नहीं बचता लेकिन जो मुश्किल लोग होते हैं जो टफ लोग होते हैं वो सर्वाइव करते हैं सो बी टफ राइट इफ़ यू बी टफ देन थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू आने वाले समय में थिंग्स आपकी ईजी हो जाएंगी एंड बी फोकस्ड बी टोटली फोकस्ड बी टोटली फोकस कोई भी दौर आए कैसा भी दौर आए हर दौर में लोगों ने तरक्की करी है लोग कह रहे हैं मुश्किल दौर है मुश्किल दौर है कहाँ मुश्किल दौर है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बढ़िया दौर है क्यों हर आदमी को हाई इम्यूनिटी की जरूरत है प्रोडक्ट्स चलेंगे हर आदमी को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की एक एक लॉकडाउन प्रूफ इनकम की ज़रूरत है जो कि इस सिस्टम देता है इसे और कोई सिस्टम दे नहीं सकता ऑर्डनरी आदमी को सो so, ये समय है इस समय अपने को सही रखने का और अगर आप अपने को सही रख गए और ये चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो आज से एक साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद आपका पे आउट होगा कुछ लाख रुपए महीना और डिविएट मत होना ठीक है लाइफ है कभी आप ऐसे जाते हो फिर थोड़े टाइम ना ऐसे भी चलता है ऐसे भी चलता है जब ऐसे चलता है ना तो बहुत से लोग आएंगे आपके पास अरे कहां फंस गए अरे क्या कर रहे हो मेरे साथ आ जाओ फलानी कंपनी में आ जाओ मेरे ग्रुप में आ जाओ इनके चक्कर में मत पड़ना कभी जहां आप इनके चक्कर में पड़े दैट दैट इज वेर यू लॉस्ट इट राइट सो उससे एंड जितने भी मैंने सफल लोगों को देखा है एक सफल स्पोर्ट्समैन है अगर उसके रन नहीं बन रहे होते वो पता है क्या करता है वो सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता है गुरु एक ही चीज सिखाता है अपने बेसिक्स सही कर अपने बेसिक्स पर आओ वो फिर से बेसिक्स करना शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं और फोकस करते हैं और उस डिफ़िकल्ट पैथ से बाहर निकल जाते हैं और एक होते हैं गुरु घंटाल वो सिखाते हैं सब छोड़ दे मेरे पास आ जा बस एंड दे आर फिनिस्ट सो डिफ़िकल्ट समय से अगर आप गुजर रहे हो, होल्ड ऑन होल्ड करिए क्योंकि भयानक रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है और ये जो अभी टाइम है ये सबसे ज़्यादा लोग इसमें वर्नेबल हैं को समझ में आ गया है इम, इम, इम्यूनिटी हाई होनी कितनी जरूरी है लोगों को समझ में घूम रहा है रहना कितना जरूरी है से हाथ धोता घूम रहा है, है राइट से हाँ क्यों क्योंकि माहौल ऐसा है सो ये इस समय में सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड लोग घूम रहे हैं अपनी फिजिकल हेल्थ कंडीशन से और अपनी आर्थिक स्थिति से सो करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनको रिक्रूट करे कोई उनको सेहतमंद होने का रास्ता बताए अब बताएगा कौन बताना आपने आप बता गए आपने सिस्टम में उनको डाल दिया सिस्टम फॉलो करवा दिया आप सिकंदर बन जाओगे यू बिकम द चैंपियन एंड अब आप चैंपियन बनते हो नहीं बनते हो ये आपके ऊपर है और ये चैंपियन तब बनोगे जब आप ये करोगे आपको मैं आप आपको एक स्विमिंग सीखनी है मैं आपको रोज लेक्चर दूं चार घंटे स्विमिंग ऐसे करते हैं ये हाथ ऐसे आता है ये हाथ ऐसे आता है ये मुंडी ऐसे ऐसे मुंडी निकालते हैं यूं सांस लेते हैं पानी में नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें तो रोज थ्योरी पढ़ाऊंगा रोज लेक्चर दूंगा बनोगे स्विमर कभी नहीं बन सकते यू नीड टू डू इट सेम वे मेरे वेबिनार के बाद दूसरा वेबिनार दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा रात को पढ़ ली किताब फिर सो गए फिर चार वेबिनार सुन लिए करा कुछ भी नहीं नथिंग विल हैपन इन योर लाइफ यू आर ओनली फूलिंग योर सेल्फ डोंट डू दैट सो जस्ट डू इट फॉलो करो डू करो एंड चेंज योर लाइफ एंड रिमेंबर 48 दिन बहुत कीमती हैं बिकॉज़ 48 दिन अगर आपने कर ली उचासवें दिन तो मैं आपको मना करूँगा ना तो भी आप अपने आप करोगे आपको मजा इतना आएगा तब तो तक आप इसका इसकी वर्थ आप जान जाओगे सो so, सुरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं कि आपके लास्ट सेशन से मैं मेडिटेशन रेगुलरली कर रहा हूँ बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी एंड ये भी लिख दीजिएगा क्योंकि कोई आपको फ़र्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी मुझे फीडबैक दे दीजिए जब आप ये टाइप कर ही रहे हैं तो आई एम श्योर राइट आपको डेफिनेटली फ़र्क लग रहा होगा सो so यही कुछ दिल की बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी एंड मैं उम्मीद करता हूँ विश्वास करता हूँ आप में से बहुत से लोग ने आज कुछ सीखा होगा और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपने कुछ सीखा तो उसे फॉलो करिएगा यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तो आपका जो पे चेक है वो बढ़े वो वो मुझे बढ़ा हुआ मिले आपका जो माइंड सेट है वो बेहतर मिले तो मुझे बहुत आनंद आएगा और बहुत ही ज्यादा बिकॉज मैं चाहता हूं कि आ, मैं चाहता हूं आप 200% परसेंट जीवन जिएं, 200% परसेंट कौन सा मैं चाहता हूं आप 100% परसेंट मटीरियलिस्टिक सक्सेस आपको मिले राइट right? बड़ी गाड़ी बड़ा पेचेद बड़ा बंगला सब कुछ ये आपका अधिकार है और 100% परसेंट स्पिरिचुअल सक्सेस आपको मिले आध्यात्मिक सफलता आपको मिले आध्यात्मिकता क्या है उससे जुड़ाव आध्यात्मिकता है बस ये जरूरी नहीं कि आप कहीं जाकर के घंटी बजाओ या कहीं जाकर के आप अपने पर्टिकुलर तरीके से कहीं जाओ या ना जाओ ना आप कहीं रहकर भी उससे जुड़ सकते हो उससे जुड़ाव होना सही कार्य करना किसी को आगे बढ़ाने में मदद करना ये है उससे जुड़ाव और यही स्पिरिचुअलिज्म है एंड अगर ये मैं चाहता हूं आपको 200 परसेंट सफलता मिले 100 परसेंट मेटेरियलिस्टिक सक्सेस 100 परसेंट स्पिरिचुअल सक्सेस विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस ऑफ माइंड ऑफ कोर्स सो so, ये मेरी आपके लिए विशेज हैं एंड आई होप एंड बिलीव आप इसको फॉलो करेंगे और अनिल वर्मा जी का धन्यवाद ये सेशन आप 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 सभी लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और उन्होंने मुझसे लाइक हाँ समय लिया मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ कुछ दिल की बात करते हुए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और ये 48 दिन एज अ चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे और उनचासवें दिन मुझे किसी माध्यम से मुझे बताना कि आपने इसको फॉलो किया और क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके अंदर के में आने वाले चेंजेस का और मुझे पता है आपके अंदर वो मेंढक छुपा हुआ है जो चैंपियन मेंढक था आप एक चैंपियन मेंढक हैं और मुझे पता है आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अर्जुन भी छुपा हुआ है जो सिर्फ़ और सिर्फ मछली की आंख पर फोकस कर रहा है और आप भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के मंत्र पर फोकस कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है आप में से बहुत से लोगों ने अभी से इस क्षण से फ्लिपर लगा लिए हैं ना आप दाएँ देखेंगे ना बाएं देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर आपकी नज़र रहेगी और रुकेंगे नहीं जब तक उसको हासिल ना कर लें और हासिल करने के बाद भी रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि एक लक्ष्य के बाद में जीवन में दूसरा लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहा होता है मैंने एक कमाल की किताब पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में था सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग फेलियर इज़ नेवर फाइनल सफलता कभी खत्म नहीं होती और फेलियर कभी फाइनल नहीं होता जब तक हम फेलियर उस दिन फाइनल होता है जिस दिन हम हार मान के प्रयास करने बंद कर देते हैं जब तक मैं दौड़ में हूँ मैं हारा नहीं और जब तक मैं दौड़ रहा हूँ एक सफलता मैंने हासिल कर ली सफलता कभी खत्म नहीं होती क्योंकि एक के बाद दूसरा मुकाम हमेशा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है सो बहुत आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो